मंत्री फाउंडेशन द्वारा वेली खेल मैदान ठाकुर विलेज काली गली ईस्ट में सब कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त शामिल होते हैं। इस महायज्ञ की खास बात यह है कि सब कुंडी महायज्ञ में श्रीमद् भागवत कथा नौ वर्षीय ऋषभ देव जी द्वारा लोगों को सुनाया जा रहा है। तो वहीं इस महायज्ञ में MM होटल के मालिक मनमोहन गुप्ता अपनी पत्नी के साथ महायज्ञ में शामिल हुए और भक्ति में लीन नजर आए। मनमोहन गुप्ता आरती से लेकर कथा वाचक पूरे समय महायज्ञ में भक्ति में डूबे रहे। ऋषभ देव जी द्वारा भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया, जिसके आनंद में सभी भक्त आनंद लीन रहे। कॉमेडी मंगल समय के अभाव के कारण नहीं विस्तार से नहीं हो पाया। भगवान ने रुक्मिणी विवाह किया, 16,108 विवाह किए, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए। भगवान की लीलाएं तो दूषित है। रास पंचाध्यायी की आज लीला थी, लोगों ने तो रास लीला को भागवत में से हटाने के लिए पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन तब धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज ने 2 महीने तक प्रवचन किए और ये सिद्ध किया कि रास लीला में कोई भी मर्यादा के उल्लंघन, कोई भी लीला नहीं है, कोई भी मर्यादा के उल्लंघन लीला की ही नहीं है भगवान ने। आजकल हम रास लीला के अगर फोटो कहीं से लें तो उसमें नया ने 20-21 वर्ष की तो भगवान है, इतनी 21 वर्ष की गोपियां हैं। जबकि रास लीला तो भगवान ने लगभग 8 वर्ष की उम्र में की, छोटे से गोपाल ने रास लीला की, और जब छोटे से नन्हे से गोपाल रास लीला करेंगे तो किसका देखने का मन नहीं करेगा, अर्थात सबका मन करेगा। आज गुरुकुल के बारे में वर्णन किया, गू का अर्थ है अंधकार और रू माने प्रकाश, यानी कि जो अंधकार के प्रकाश की तरफ ले जाए वही है गुरु। गृह निगरण्य धातु से व्याकरण में गुरु शब्द बनता है। गिरत निगलत शिष्यानाम अज्ञानांधकारम यह सह गुरु, शिष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को जो निकल जाए वो है गुरु, यानी कि शिष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को, शिष्यों के विकारों को जो निगले और संस्कारों को जो उगले वो है गुरु। बंसीधर जी यादव, मैं अगर एक बात करूं, आपने 7 बजे यहां उपस्थित हो जाएं सभी यज्ञ के यजमान बंधुगण, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को सूचित किया जा रहा है, बहुत ही कि यज्ञ के यजमान सुबह 7 बजे यहां यज्ञ मंडप पर उपस्थित हो जाएं, ज्ञान का विचार है। 9 बजे से लेकर के फिर मेरे दिल में खुशी है कि 12:30 बजे पूर्ण विश्व का कल्याण जल संरक्षण से होगा। अगर पानी का बचत होगी, पानी खेतों तक जाएगा, जल संरक्षण से ही विश्व शांति आ सकती है। और 9 बजे जब तक खेतों में पानी जाएगा, गंगा का पानी महालक्ष्मी महायज्ञ की पूर्ण हो, समुद्र में जाने की बजाय उसके बाद गांवों के खेतों में जाना, और विशाल भंडारा ऐसे यज्ञों के द्वारा हर हर महादेव यह चेतना पहली चाहिए कि भारत भूमि के ऊपर गंगा का अवतरण हुआ गरीबी मिटाने के लिए, गौओं का संरक्षण करने के लिए। गाय जब बचेगी, जब घास होगी, और घास कब होगी? अब बहुत अच्छी हो रही है, इतना मजा आ रहा है इधर, इतना सागर उमड़ रहा है कि कह नहीं सकते, इतनी कथा अच्छी हो रही है। और जो 9 साल के महाराज जी हैं जो कथा कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रवचन कर रहे हैं कि देख के हैरान हूँ मैं तो, कि अपन इतने बड़े होके एक वर्ड अपने याद नहीं रहता, और पूरी कथा पूरी भागवत बिना देखे बोल रहे हैं, और इतना बड़ा 100 माँ कुंडी लक्ष्मी माँ कुंडी हवन हो रहा है, इतना पवित्र जगह, इतनी पब्लिक आ रही है, सब लाभ उठा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, फिर उसके बाद विशाल भंडार हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा।